When I feel like dying, I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me because my grind's contagious. I'll do what it takes. Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So this is me, खुशबू महर, and as you all know, मेरे exams चल रहे थे और finally मेरे कल exams खत्म हो गए और आज मैं घर जा रही हूँ. तो अभी time हो रहा है 11 और मेरी train है 8 बजे, but मुझे college से 5 बजे निकलना है क्योंकि बहुत rush होता है अहमदाबाद में शाम के time. और obviously अभी नवरात्र चल रहा था और भी होगा क्योंकि last time मेरी train miss होते होते रह गई थी. अगर ब्लॉग देखा हो तो आपको याद होगा. तो अभी मैं करने वाली हूँ पैकिंग और मैं कल इतना ज्यादा थक गई थी ना कि कल मेरे बेड पर सी सब ऐसा फैला हुआ था और मैं इन्हीं के बीच में सो गई थी. तो अभी हम लोग पैकिंग करेंगे, उसके बाद फिर नहा के खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके कुछ मूवीज डाउनलोड करके टाटा बाय बाय टू कैंपस. फिर खाएंगे मम्मी के हाथ का खाना. बाय. कंप्लीट वीडियो देखने से पहले आई जस्ट वांट टू सजेस्ट अ परफेक्ट बुक फॉर योर जेईई मेंस 2025 प्रिपरेशन. एज यू ऑल नो, जेईई मेंस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और तुमको पता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बुक टेस्ट देना या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो हियर इज द क्वेश्चन बैंक बुक एज पर द लेटेस्ट जेईई मेंस पैटर्न एंड सिलेबस. एंड इस बुक के अंदर ट्रस्ट मी इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं जो तुम्हारे लिए डेफिनेटली गेम चेंजर होंगे तुम्हारे जेईई मेंस 2025 की प्रिपरेशन के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस बुक इज 100% अपडेटेड विद 2 सॉल्व पेपर्स फ्रॉम जनवरी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट. सो दैट तुमको आइडिया रहे कि तुम्हारे लास्ट ईयर जस्ट लास्ट ईयर किस टाइप का पेपर आया था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो तुमको पता रहेगा किस टाइप के अभी वो लोग क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं. ऑल्सो दिस बुक गिव्स यू इंटेंसिव प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ओवर 1500 फुली सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम 2019 टू 2023. ऑल्सो ये कोई ऐसे वैसे रैंडम क्वेश्चन नहीं होने वाले, ये क्वेश्चन वही होने वाले जो तुम्हारे लास्ट ईयर में आए थे, जिस टाइप के तुमको आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि तुमको आइडिया रहे किस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में एक्चुअली पूछे जाते हैं. अनदर थिंग आई लव हाउ ओजावेल हेल्प्स यू क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग्स विद चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वीडियोस माइंड मैप्स मेमोनिक्स टू गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस बुक. ऑल्सो ओसवाल प्रोवाइड यू अ वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट जिसके अंदर तुमको टिप्स दी जाएंगी कि तुम अपना फर्स्ट अटैम्प कैसे निकाल सकते हो, बिकॉज फर्स्ट अटैम्प निकालना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है कि तुम उसी साल से फिर अपना मतलब उसी मोमेंट से तुम अपने जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर हो जाओ. क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट के बाद अगर तुम सेकंड अटैम्प्ट के लिए रहते हो कि वो भी तुमको निकालना है, तो सेकंड अटैम्प्ट में और जेईई एडवांस में काफी कम टाइम रह जाता है और तो तुम्हारे बोर्ड्स भी आ जाते हैं उस टाइम. एंड फाइनली द बुक फीचर्स अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन एनालिसिस विद अ चैप्टर वाइज एंड ट्रेंड एनालिसिस फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स. दिस हेल्प्स यू ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड more type efficiently. So if you want to boost your preparation for JEE Mains 2025, go and check my description for this book. So good luck with your preparation, guys. फाइनली तो मेरी 8 घंटे की ट्रेन प्लस 2 आवर हम लोग और ज़्यादा लेट हो गए थे बिकॉज हमारी ट्रेन डाइवर्ट थी मतलब इस रूट से, तो इसके वजह से 2 घंटे और लेट हो गए थे. टोटली एग्जॉस्टेड, बट कोई नहीं, घर पे हैं, रेस्ट तो करना बनता है. वो देख लो जयपुर की सुबह कितनी सुहानी लगती है. अभी मैं जाती हूँ थोड़ा सा बालकनी से सीन देखती हूँ कैसा लग रहा है. मेरे पापा को गार्डनिंग इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है मुझसे भी ज़्यादा कि मैं आई हूँ. ये नहीं कि मेरा टाइम स्पेंड करे, चले गए अपने प्लांट्स की देखभाल करने.
लेट्स गो, मेरे को चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मुझे पता है घर पर आके मेरी हाथ की चाय से बहुत ज़्यादा पता चलिए मैं ही चाय बनाऊँगी। चलो ठीक है, रिव्यू भी लेंगे इतनी देर बाद चाय कैसी बनती है मेरे हाथों से। और मेरी आवाज़ बहुत कमाली हुई क्योंकि मेरा गला ख़राब था और आज मेरी इसी बारिश में और गला ख़राब हो चुका है। चलिए मैं तो नहा चुकी हूँ लेकिन घर में अभी काफ़ी लोग नहीं आए हैं जिसकी वजह से हम पूजा नहीं कर सकते अभी जब तक सब नहाते नहीं है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, मम्मा नहाएगी फिर हम लोग पूजा करेंगे क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और मम्मा का फास्ट है, मैंने तो नहीं रखा फास्ट। ओके मैं बोर हो रही हूँ घर पर आके भी, क्या करूँगा। और कल हम गरबा खेलने जाएंगे तो उसका ब्लॉग भी ज़रूर देखना, ज़रूर ज़रूर देखना क्योंकि उसमें आपको दिखेंगे सुंदर सुंदर कन्या, मैं, मेरी बड़ी बहन, मेरी कज़न बहन और बाकी हम लोग के साथ भी रहती हैं कुछ भी वो भी दिखेंगी। सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके बाय बाय। और लेट मी शो यू समथिंग, अभी 1 अक्टूबर को पापा का बर्थडे था एंड मतलब मैंने और दीदी ने पापा को एक वॉच गिफ्ट करी है दिस वन, जितने हमारे बजट के अकॉर्डिंग थी हमने उतनी करी है। तो मैं दिखाती हूँ पहन के वॉच कैसी लग रही है और पापा को आई नो बहुत पसंद आई है बट पापा उनको बहुत अच्छी लगी, मतलब वो जनरली वॉच पहनते नहीं हैं। तो मैं पहन के दिखाती हूँ अभी वॉच, मैं ना ऐसे रखूँगी अभी फोन को फुली टिक पाए यहाँ पे। वैसे मैं यूजुअली वॉच बिल्कुल नहीं पहनती, मेरे को बिल्कुल ही पहनना पसंद नहीं वॉच, लेकिन लगा दी हाँ आ गई हाथ मेरी वॉच। देखो मेरे नेल्स कितने बड़े हो गए, मैं सिर्फ गरबा खेलूँगी जाऊँगी, कल इसके लिए किए नेल पेंट लगानी है बस, बाकी मैं कट कर लूँगी क्योंकि मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है बड़े नेल्स, मुझे भी नहीं क्योंकि सुंदर है ना। थू 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 थू। और तुम लोग भी कमेंट्स में बताना ये वॉच कैसी लगी तुमको जो दीदी मैंने पापा को गिफ्ट करी है। आई गेस इस वीडियो को अभी हम नहीं पहन करते हैं पूजा करके, सो याद ऑल फॉर दिस वीडियो। और वॉच नहीं खुल रही है, मेरा फोन गिरना आ जाए बस।